देखो फर्स्ट वाला दिया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज टू एंड थ्री। दो नंबर हम एक्स और वाई मान लेते हैं। एक्स और वाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2/3 दिया हुआ है। इफ़ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट मान लो तो एक्स हमारा फर्स्ट है, इसमें से दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ़ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड एट फ्रॉम द सेकेंड, द रेशियो बिकम्स द रेशियो प्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सेकेंड में से हम लोग को कितना घटाना है, वो 8y-8। तो ये जो नंबर है उल्टा हो जा रहा है, मतलब कि पहले से 2/3 था, अब 3/2 हो जाएगा। हेलो, बोलिए। सुन रहे हो, देख रहे हो सारा। अब देखो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये दो ठो इक्वेशन हम लोग को दे देगा। पहला में हो जाएगा 3x बराबर 2y, या फिर इसको लिख सकते हैं 3x-2y इज इक्वल टू 0। और दूसरा से हम लोग को मिलेगा 2 × x। y तो 8 आया मेरे पास, चेक कर लीजिए सर, y मेरा 8 आया, चेक कर लीजिए। y 8 आया है, x का वैल्यू निकाल लो। तो फिर पहले बार y तो चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर पूरा ही सब नहीं, मतलब क्या पता कल गलत अच्छा हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं। तो 8 2x-4 इज इक्वल टू 3y-24। तो ये आ जाएगा 2x-3y इज इक्वल टू 24+4-20। ये दो इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 2y/3 ना। तो यहाँ पर 2 × x बराबर रख लेते हैं 2y/3-3y इज इक्वल टू -20। तो यहाँ से आ जाएगा 4y-9y/3 इज इक्वल टू -60। तो यहाँ से आ जाएगा -5y इज इक्वल टू -60। तो y बराबर आ गया कितना, 12। y 12 आ रहा है, तो अब हम लोग x निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 2y/3, 2 × y। ये वाला कौन सा, ये वाला क्या है सर, 2 × जो 2y/3, ये क्या लिखा है, कहाँ पर, ए वाला, ये वाला नहीं, इसके बगल वाला, ए वाला। हाँ ये 2 × 2y/3, हाँ वही वही। एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट किए हैं 2 × x। एक्स के जगह पर तो हम लोग निकाल दिए 2y/3 ना। ये तो मैंने क्लिक किया, सॉरी सर। तो यहाँ से ये 4 8 ही आएगा, 8 x, एक्स 8 आ गया और वाई आ गया 12। सर पीछे तो, पर पीछे की तरफ सर, पीछे से अभी चेक किया सर, पीछे 8 दे रखते हैं। पीछे अरे नहीं, सर गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने एक्स का वैल्यू नहीं है सर, एक्स का वैल्यू नहीं ठीक है ना। है, एक्स का वैल्यू 8 है, अच्छा उसका वैल्यू अभी वाई निकालना है मुझे, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ना उल्टा हो गया। जब तो मैं वाई का वैल्यू पहले में पुट करूंगा, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, x/y = 2/3 में पुट करूंगा, आ जाएगी ना वैल्यू। तो किसी में भी पुट करो आ जाएगा, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। दो नंबर में क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:7। तो फिर से एक्स बाई वाई कितना ले लेंगे, 4/7। इफ थ्री इज द लार्ज नंबर बी एडेड टू ट्विस्ट द स्मॉलर। इफ थ्री इज द लार्ज नंबर, लार्ज नंबर मान लो मेरा वाई लार्ज नंबर होगा ना, तो इफ थ्री इज द लार्ज नंबर बी एडेड टू ट्विस्ट द स्मॉलर नंबर, द सम इज 59। बोल रहा है कि बड़ा नंबर का 3 गुना, वाई का 3 गुना, 3 गुना, और छोटा नंबर का कितना गुना, 2 गुना।
अगर ऐड करते हैं तो ये हम लोग को देता है 59। तो बताओ नंबर कौन सा होगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 7x-4y = 0, और ये हो जाएगा 3y+2x = 59। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो दोनों को। देखो कितना आ रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं होगा, इधर 59 है ना, ऊपर वाला में कर लो। इसको एक्स को पहले लिखेंगे तो 2x+3y = 59। तो इसमें करना होगा 7 से, या इसमें कर लेते हैं 4 से, और इसमें कर लेते हैं 3 से। एक इक्वेशन 1 बनेगा और एक इक्वेशन 2। तो 1 वाला आ गया 21x-12y = 0, और ए वाला आ जाएगा 8x+12y = 236, 4 से मल्टीप्लाई करने पर। ए कैंसिल हो गया और 1108 कितना आ गया, 29x = 236। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सर ये कैंसिल तो नहीं होगा लगता है। 29। नहीं सर, शायद नहीं होगा, नहीं होगा सर। आंसर कितना दिया है, सर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है कितना दिया है, सर हमारा लगता है सही है, ये 29 8 4/29 है सर, मिक्स फ्रैक्शन 8 4/29। तो ये आ जाएगा, और जब एक्स मिल गया तो वाई हम लोग निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू कहीं पर पुट करके। ऊपर में पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 7x-236/29-4y = 0, मतलब कि ये 4y के बराबर हो जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा इतना बाई 4। तो 4 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 9, तो ये आ गया 59x-7/29। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा आंसर। सही क्या होगा सर, 7x-236/29 बचा मतलब, क्या और ये अपॉन 4 कहाँ से, अपॉन 4 किधर से आया, ये 4y यहाँ पर था ना, हाँ तो ये 4 अपॉन में कहाँ से आया सर, ये वाला, यहाँ पर 4y था, तो y निकालेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा ना, नीचे लिख दिए, यहाँ से हटा दिए। 14 7/29 कितना, 14। 14 हाँ, तब तो ठीक ही। When the greater of the two numbers increased by one, divides the sum of the number, the result is 3/2। क्या बोल रहा है, When the greater of the two numbers increased by one, मान लो कि दो ठो नंबर है, x है और y है। बोल रहा है व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज, दो नंबर पहले एज्यूम कर लो, एक नंबर एक्स दूसरा वाई, और मान लेते हैं हमारा एक्स ग्रेटर देन वाई है। व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज्ड बाय वन, अगर इसको एक बढ़ा दें बाय वन, डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर, और इसको सम ऑफ नंबर से डिवाइड कर दें, तो द रिजल्ट इज 3/2। तो ये कितना देता है, 3/2 देता है पहला इक्वेशन। और दूसरा, व्हेन द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर्स इज डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर, अगर हम लोग डिफरेंस ले लें, बड़ा नंबर तो एक्स है ना, अगर एक्स माइनस वाई कर दें और इसको अ स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दें, व्हेन द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर्स इज डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर, रिजल्ट इज 1/2। तो बताओ नंबर क्या होगा। तो इसको थोड़ा और ब्रेक करो, तो ये आ जाएगा 2x+2 = 3y+3।
थ्री एक्स, और नीचे वाला आ जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वाई। सोल्व करो तो दोनों को। तू सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। हाँ हाँ सब्स्टिट्यूशन, वो या फिर ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा ना, देख लो जो तुमको इजी लगे उसे कर लो। देखो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए टू एक्स माइनस थ्री एक्स जाएगा ना, इसको इधर आने दो, थ्री एक्स माइनस टू एक्स इसको हम इस तरफ लेकर के आ गए, और प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू लिख सकते हैं, या एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, ये समझ में आया? और इधर से हम लोग को मिलेगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ऊपर वाला में दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर। अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस तो ए कैंसिल हो जाएगा, और ए हम लोग का बच जाएगा माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। तो वाई बराबर फोर बटा नाइन आ रहा है। क्या आंसर दिया है? ये नहीं है सर, ये नहीं है। फोर बाय नाइन तो मेरा भी आ रहा था, फोर बाय नाइन तो मेरा भी आ रहा था। अच्छा तो कुछ गलती हुआ है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज बाय वन डिवाइड्स द सम ऑफ नंबर। अच्छा ये उल्टा बोल रहा है, बोल रहा है ना ये क्वेश्चन देख लो एक बार। व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज बाय वन, जैसे मान लो कि हम लोग का एक्स बड़ा था ना, एक्स प्लस वन इससे डिवाइड करते हैं दोनों के सम को, ये उल्टा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू दे रहा है, तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, और एक ठो आया है हम लोग का, एक ए हो गया और एक ए वाला हो गया दूसरा वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, एक में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ऐड कर देते हैं, ये माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस फोर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू सिक्स, और दो ऑलरेडी हम लोग का टू एक्स माइनस थ्री वाई आया है, इन लोगों को ऐड करेंगे तो ए कैंसिल होगा, और ए चार में से तीन गया तो वाई इज इक्वल टू छ, सिक्स है वाई बराबर। नहीं सर नहीं है। एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा देख लेते हैं, वाई सिक्स आया है तो बारह, बारह तो वाई सिक्स आया तो ए माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन, तो एक्स बराबर नेक्स्ट देखें। माइनस कहाँ पर? ये मतलब ये जो आ रहा है माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्स कहाँ से आया? ये वाला। ये इसमें दो से मल्टीप्लाई किए हैं। चार नंबर में क्या बोल रहा है? चार बोल रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई इज पचास, तो पहला तो सिंपल एक्स प्लस वाई पचास दे दिया, और सेकेंड एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना स्क्वायर इज 720, तो बोल रहा है कि नंबर कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई तो इतना मिल गया, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 720, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना मिल जाएगा 720 बटा 50। ठीक है, तो अब हम लोग को इक्वेशन एक ए मिल गया, इक्वेशन दो ए मिल गया, अब दोनों को ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई बराबर पचास,
और एक्स माइनस वाई बराबर 72y5, ऐड कर दोनों को, तो वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 250 प्लस 75 बटा 5, नहीं 72 बटा 5। तो ये फ्रैक्शन में है आंसर, क्या ये आ जाएगा 300। आपके पास आंसर का नहीं है सर? ये 322/10 आ रहा है x बराबर, मतलब कि x आ रहा है हम लोग का 32.2। देखो तो आंसर क्या दिया है। सेवेंटी टू बाई फाइव यहाँ पर ऊपर ऊपर ये वाला ऊपर, तो ए वाला ऊपर वाला ए लिख दिए, और ए वो नहीं सर, ये x माइनस वाई इक्वल टू 22/5 है। हाँ ये ऐड किए 50/72/5, 50 प्लस 72/5, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। अब वाई निकालना है तो वाई निकाल लेते हैं, वाई आ जाएगा 50 माइनस x बराबर 50 माइनस 32.2, 17.8। हाँ सर आगे बढ़िए ना सर, वाई का वैल्यू कब का आ गया मेरा? हो गया आपसे पहले सर, वाई का वैल्यू आ गया था। नेक्स्ट अब हम लोग का अब फाइव ना, फाइव की हो गया फाइव। द सम ऑफ टू नंबर इज 8, मतलब कि x प्लस वाई कितना दिया है 8, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कि 1/x प्लस 1/y इज 8/15। फाइंड द नंबर्स, तो एक वाला तो सिंपली है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ए वाला हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा एक्स वाई, तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, तो 8/xy इज इक्वल टू 8/15, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो xy हम लोग को कितना मिल गया 15, और x प्लस वाई 8 है, तो कैसे वैल्यू निकलेगा? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x निकाल लेते हैं, x बराबर आ जाएगा 8 माइनस वाई, यहाँ से इज इक्वल टू, तो यहाँ से अब इसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं, 1/ कहाँ पर, हाँ फिर उल्टा कर दो दोनों को, 1/xy इज इक्वल टू 1/15, तो दोनों को उल्टा तो लिख सकते हैं, दोनों में दोनों को क्या कर सकते हो, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो एक्स के जगह पर हम लोग 8 माइनस वाई ले सकते हैं, इंटू वाई इज इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा सर, पर xy इक्वल टू 15 से ये 8 माइनस वाई कहाँ से आ गया? ए वाला यहाँ से वैल्यू लिए, और ए वाला आया है ऊपर से। और इसको मिड टर्म ब्रेक करो, मिडिल में से ब्रेक कर दो, आंसर इसमें हम लोग का कौन सा होगा, ऊपर वाला ही होगा ना, नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को दे रखा है एक्स ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पर एक्स जो है छोटा हो जा रहा है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला के लिए देखो तो इक्वेशन बना करके बन रहा है, 6 नंबर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई इज 4।
सर नहीं हो रहा सर, मिडिल टर्म ब्रेक कर रही है बात सर। नहीं हो रहा है सर ये। तुम मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद कैसे नहीं हो रहा ये वाला तुम किया था ऊपर जो दिख रहा है, सर? मैंने ये दोनों किया एकदम सही था, कर दिया था, ये वाला उल्टा तो एकदम नहीं सर लिख आ गया लिया था, फोर था? बार कर दिया था सर। ये उल्टा नहीं ना था तुम्हारा, 1/x-1/y? मेरा वही था सर, वरना एक्स माइनस वन बाय वाई। ओ तो इसलिए गलत हुआ, 1/y बड़ा होगा ना, क्योंकि x बड़ा है, उल्टा करेंगे तो 1/y बड़ा हो जाएगा। 7 में क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:5, तो x/y 4:5 हो गया। इफ 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, मतलब कि अगर x-30 कर ले और y-30 कर ले तो ये कितना बन जाएगा, 1/2। अब इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको कैसे करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5x-4y 0 हो जाएगा, ये 1 हम लोग का हुआ। 2 में हो जाएगा 2x-60 इज इक्वल टू y-30, तो ये आ जाएगा 2x-y इज इक्वल टू 30, ये हो गया 2। अब इसमें क्या करो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो। है सर, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें एक्स वाई जेड भी लिखते हैं ना, खाली नंबर्स लिखते हैं ना? x y z, x y z कहाँ पर है? ये तो हम किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आया 5x-4। सर सर, जब हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करते हैं उसमें एक्स और वाई नहीं लिखते ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्या, वो इलिमिनेशन मेथड बोल रहे हो? नहीं सर, जो तीसरा मेथड था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, अच्छा, उसमें तो इस तरह से लिखते हैं ना, x y 1, फिर यहाँ पर b1 b2 एक्स और वाई तो आता ही नहीं है। c1 c2 a1 a2 और यहाँ पर b1 b2, तो उस वाला से क्यों कर रहे हो? ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, देखो ना इसमें एक तो तुम्हारा यहाँ पर मिल ही गया है, तो ऊपर एक लिख लो 5x-4y इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला ये वाला लिख लो, 4 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 8x-4y इज इक्वल टू 120। अब इसको घटा दो, माइनस प्लस माइनस, तुम देखा ही नहीं आप ऐसे सोचोगे क्या नहीं देखा? उसमें? हाँ, मैंने देखा ही नहीं आपने क्या कर दिया, मतलब मेरे को लगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना है। देखो एक्स का वैल्यू 40 आ गया, नेक्स्ट लेवल तो 40 आ रहा है सर। एक मिनट सर, पहला इक्वेशन ए था, दूसरा इक्वेशन ए था, दोनों को सॉल्व कर लिए तो इससे तुम्हारा ए मिल गया और नीचे वाला से मिला ए, और इसी को थोड़ा और सॉल्व किए तो ए आ गया। आई भी निकालना था ना, हाँ, एक्स निकल गया, वाई निकाल लो। फिफ्टी आ रहा है, वाई का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2x-30 इज इक्वल टू वाई, तो 40-30 10, नहीं 80-30 50, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर ना, x-2 / y-1 = 2y3। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 2, न्यूमरेटर 2 बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि न्यूमरेटर x+2 हम बढ़ा दिए और
डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई वन, डिनोमिनेटर को हम एक घटा दिए, इट बिकम्स 2/3, तो ये हम लोग को दे रहा है 2/3। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई वन, न्यूमरेटर को अगर एक बढ़ा दे एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई टू, और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई टू, इसको दो अगर बढ़ा दे तो ए बिकम्स 1/3, तो बोलो वैल्यू क्या होगा, ए तुमको सोल्व करना है। तुम लिखा था इस तरह से, हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ए हो जाएगा 3x plus 6 इज इक्वल टू 2y-2, तो 3x-2y इज इक्वल टू -8, एक पहला इक्वेशन, और दूसरा हो जाएगा 3x plus 3 इज इक्वल टू y+2, या फिर 3x-y इज इक्वल टू 2-3-1, ये दूसरा इक्वेशन। अब दूसरा में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, या फिर ऐसे ही घटा दो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, 3x-2y इज इक्वल टू -8 और 3x-y इज इक्वल टू -1, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस और इसको प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लोग का बचेगा कितना, -y इज इक्वल टू -7, तो y बराबर कितना आ गया 7। अब y मिल गया तो x निकाल लेंगे, तो 3x बराबर -1 -+y इज इक्वल टू -1 + 7 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर आ गया 2। क्या थोड़ा और 10 तक तो कर ही लो, 10 नंबर में क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, इट बिकम 1। देखो इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई वाई 1, इसको 1 बढ़ा देंगे, इट बिकम्स 1, तभी कितना हो जा रहा है 1। पहला इक्वेशन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 4, न्यूमरेटर को 4 बढ़ा दो एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाई 2, और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इफ न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 4 एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाई 2, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब ये निकाल लेना है, तो ये तो आ गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इधर से आ गया 2x+8 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2x-y इज इक्वल टू 1, और ए 2x-2y इज इक्वल टू -8। अब इन दोनों को सिंपल ऐसे ही घटा दो, यहाँ 2x रखो -y रखो इज इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -y इज इक्वल टू -9, y बराबर आ गया 9। अब y 9 आ गया तो x का वैल्यू y+1/2/1, x इज इक्वल टू 5 है क्या सर, x आ जाएगा हाँ 5। सर इक्वेशन वगैरह बनाने में ठीक हुआ, 11 देखोगे क्या, 11 सर, अब 11 से कम कर लेंगे चाहो तो छोड़ दें, ठीक है रहने देते हैं।